पांवटा साहब एसडीएम कार्यालय के बाहर भाटावाली पंचायत के ग्रामीणों ने धरना दिया और एसडीएम एलआर वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वे कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं कि जहां पर पांवटा साहब नगर परिषद का कूड़ा संयंत्र केंद्र बनाया गया है वह भाटावाली पंचायत में आता है तथा पास में ही गांव के लोगों के खेत हैं तथा यहां पर जो खाली मैदान है वहां पर बच्चे खेला करते हैं। स्थान पर जाने के लिए नगर पालिका के जो ट्रैक्टर गुजरते हैं उनसे गंदी बदबू आती है और कई बार मलबा भी नीचे गिर जाता है जिससे पूरे गांव में गंदगी का माहौल बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि वे कूड़ा संयंत्र केंद्र का विरोध नहीं करते हैं परंतु उसके लिए कोई दूसरा स्थान चुने क्योंकि जो ये स्थान चयनित किया गया है यहाँ पर कूड़ा संयंत्र केंद्र खोलने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो नगर परिषद हमारी ग्राम पंचायत भट्टावाड़ी में कूड़ा संयंत्र यहाँ पे लगा रही है, स्थापित कर रही है, जिसका चयन जो है वो गलत जगह स्थान पर किया गया है। हम कूड़ा संयंत्र का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि इसके स्थान को चयन को लेकर के हमारा विरोध है, जो कि बिल्कुल गलत स्थान पर लगाया जा रहा है, जहाँ पर खेतों की जमीनें जो हमारे किसान भाइयों की वहाँ पर है, जो काम करते हैं वहाँ पर जाने के लिए एमसी के पास कोई रास्ता अपना नहीं है, वो जो कि किसानों के खेतों से ज़बरदस्ती जा रहे हैं और अक्सर ये दो चार टोलियाँ जो है बीच बीच में अक्सर जमुना के किनारे जो है वहाँ जाके गिरा देते हैं, जिससे जो है वहाँ जानवर पशु वगैरह जो काम करते हैं वो भी इसको पॉलिथीन खाने की वजह से बीमार कई बार पड़ चुके हैं और इसका स्थान का जो चयन है वो किसी अच्छे स्थान पर किया जाए, किसी दूसरी जगह इसको सिलेक्ट किया जाए ताकि ये पब्लिक को भी इसका कोई नुकसान ना हो। और इसके बारे में हम एसडीएम मोहरी साहब को जो है पहले भी 4-5 बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन नगर परिषद ईओ साहब और हमारे एसडीएम साहब ने इस पर कोई अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा ही दुर्दशा जो इसकी बताती है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अतः हमें मजबूर होकर जो है माननीय हमारे कोर्ट के पास हमें जाना पड़ेगा, इसके लिए हम जाने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद। ये हमें बहुत साल से परेशान कर रहे हैं कमेटी वाले, कभी तो एक ट्रॉली दो ट्रॉली दिन में डाल ही देते हैं, वहाँ हर बार आते हैं, हम इस पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं लेकिन ये मानते ही नहीं है। हमारे खेतों से रास्ता जाता है वहाँ को होके ना, तो खेतों में काम करेंगे तो स्मेल आएगी, कैसे रहेंगे, घर भी आबादी के नज़दीक भी है, फिर बच्चों का खेलने का वहाँ ग्राउंड भी है, वो भी कहाँ जाएंगे, कोई शहर में तो हमें ग्राउंड नहीं अलाउ करेंगे वो इतने बच्चों को, तो बहुत दिक्कतें हैं, स्मेल भी है, रास्ता भी कम है और फिर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चलती रहेंगी इनकी, तो ये तो हम बनने नहीं देंगे, जहाँ मर्जी बना लो। ये हमारा इतराज ये नहीं है कि ये वहाँ बने, इतराज ये है कि सिर्फ जगह का चयन ये सही करें, जगह वहाँ बहुत है, उसी जगह को लेके हमेशा हर बार ये अड़ जाते हैं उसी जिद पे कि यही बनना, वहाँ तो हम बनने नहीं देंगे, ये जहाँ मर्जी चले जाएंगे। एसडीएम एलआर वर्मा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है तथा उन्होंने इस मामले को उचित ढंग से हल करने के लिए कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका को मार्क कर दिया है।